Hello welcome you all today we are going to start our first session for adobe illustrator 2020 so what we are going to learn in this session we will be learning interface of adobe illustrator new file options in adobe illustrator use of bleed in adobe illustrator and how to use artboards and artboard options in adobe illustrator so let's start our first session for adobe illustrator सो फॉर स्टार्टिंग our सेशन वी विल बी स्टार्टिंग with क्रिएट न्यू फाइल सो अभी जैसे हम देख सकते हैं पूरे इंटरफेस पे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है जैसे लेटर है पोस्ट कार्ड है या फिर कॉमन है या फिर आई फोन एक्स है एच डी वी है एच डी टी वी है और यहाँ पर मोर ऑप्शन का भी ऑप्शन है सो so, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिएट न्यू है सो so, मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ क्रिएट न्यू अब यहाँ पर आने के बाद एक नया पॉपअप ऑन हो गया है इस पर हम देख सकते हैं कि रीसेंट जो भी फाइल साइजेस यूज हुए हैं उनके साइजेस है सेव्ड फाइल साइजेस अगर आपने कोई किए होंगे तो डॉक्यूमेंट के सेव प्रीसेट्स सेट्स यहाँ पर दिखेंगे मोबाइल मतलब मोबाइल फ़ोन्स के लिए आईफोन या फिर आप जो मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे उनके लिए जो फिक्स्ड फाइल साइजेस है वो यहाँ पे है वेब के लिए जो फिक्स्ड फाइल साइजेस है वो यहाँ पे दिए हुए हैं सो स्क्रोल इन करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स भी दिखेंगे कुछ और प्रिंट के लिए जो भी फाइल रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो यहाँ पर दिया हुआ है फिल्म और वीडियो आर्ट एंड इलस्ट्रेटर इलस्ट्रेशंस तो इनके लिए भी अलग अलग फाइल साइजेस यहाँ पे दिए हुए हैं सो तो अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट साइज़ लूँगी प्रिंट के लिए और साइज रहेगा ए जो कि मोस्टली कॉमनली हम यूज़ करते हैं अब यहाँ पे राइट साइड में आपको प्रीसेट डिटेल्स दिखाई देगा यहाँ पर अन टाइटल्ड टू या फिर अन जो भी नंबर आएगा उसकी जगह पे आप अपना फ़ाइल नेम डाल सकते हैं सो यहाँ पे हमारा फाइल नेम होगा यहाँ पे हमें डायमेंशनस ऑफ फाइल समझ में आएंगे जैसे कि विर्थ क्या है फाइल की या फिर हाइट क्या है फ़ाइल की तो ये यह हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इसको मैं इंचेस में कन्वर्ट कर रही हूँ हाइट और वर्थ देखने के बाद आप यहाँ से ओरिएंटेशन ऑफ द फाइल भी चेंज कर सकते हैं जैसे आपको फाइल पोर्ट्रेट फॉर्मेट में चाहिए या फिर लैंडस्केप फॉर्मेट में चाहिए तो ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एक फ़ाइल में हमको कितने नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स चाहिए वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है और साथ में यहाँ पे एक नया ऑप्शन है ब्लीड का सो so ब्लीड मतलब जो पेज के आउटर एरिया में रहता है जैसे कि सपोज़ हमने एक पेज लिया है मैं यहाँ पे ब्लीड ऑन कर देती हूँ अभी के लिए तो हमें जब फाइल ओपन करेंगे पॉइंट थ्री सेवन फाइव इंचज का ब्लीड हमने रखा है यहाँ पर लिंक्ड रखा है ब्लीड को ताकि टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट साइड से इक्वल ब्लीड आए अब यहाँ पे जब हमने प्रिंट प्रीसेट लिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए एडवांस ऑप्शंस में हमारा जो आ, पी पी आई वैल्यू है वो ऑलरेडी थ्री हंड्रेड पी पी आई मतलब फाइल रेजोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेट होकर आया है साथ ही में कलर मोड जो है वो भी ऑलरेडी सेट होके आया है क्योंकि हमने प्रिंट प्री सेट सिलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे सी एम वाई के कलर मोड है और थ्री हंड्रेड रेजोल्यूशन है तो यहाँ से मैं फाइल क्रिएट करती हूँ सो आफ्टर क्रिएटिंग द फाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा इंटरफेस है और ये हमारा आर्ट बोर्ड है जो नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड हमने सिलेक्ट किया था वन वो ये था और जो रेड आउटलाइन हमको दिख रही है वो है ब्लिड ब्लिड जो है वो हमेशा पेपर के बाहर रहती है या फिर आर्टवर्क एरिया के बाहर रहती है ब्लिड में हम ज़्यादातर के वो एरिया रखते हैं जो प्रिंट होने के बाद कट होने के बाद वाइट स्पेस ना दिखाई दे जैसे सपोज अगर मेरे आर्टवर्क में कहीं पे एज टू एज ब्लू कलर है तो मैं उसको ब्लीड एरिया में कवर करूँगी ताकि जब भी आर्टवर्क कट हो तो वो वाइट स्पेस जनरेट ना करें इस परपज़ से हम ब्लीड ऐड करते हैं अब इंटरफेस ऑफ इलस्ट्रेटर में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे टॉप में सारे मेन्यूज़ दिख रहे हैं जैसे यहाँ पे फाइल है एडिट है ऑब्जेक्ट टाइप सेलेक्ट इफेक्ट व्यू विंडोज एंड हेल्प वैसे ही लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं कि पूरा टूल बॉक्स यहाँ पे है राइट right साइड पे कुछ डॉकर्स प्रॉपर्टीज़ है ये जो अलग अलग टैब्स हैं ये डॉकर्स प्रॉपर्टीज़ है और यहाँ पे टॉप साइड में एडोब एलस्टेटर 2020 के एग्जैक्ट साइड में इसेंशियल्स लिखा हुआ है तो ये सारे वर्क स्पेसिस हैं अगर मैं यहाँ से वर्क स्पेस चेंज करती हूँ इसेंशियल क्लासिक पे तो मेरा पूरा इंटरफेस मेरे, मेरे पूरे डॉकर्स प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाएंगे तो इस तरीके से हम अलग अलग वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इसेंशियल क्लासिक हो गया लेआउट वर्क स्पेस यूज़ कर सकते हैं पेंटिंग के लिए अगर हम जाएंगे तो पेंटिंग के लिए अलग वर्क स्पेस होगा जिसमें कलर्स और स्वैच और ये ब्रश जो है ये ऑन प्रायोरिटी दिए हुए रहेंगे तो ये अलग अलग टाइप के वर्क स्पेसिस जैसे प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कलर्स और स्ट्रोक वर्थ वगैरह ट्रेसिंग के लिए कुछ अलग दिया होगा तो ये हर जगह पे हम लोगों को अलग अलग डॉकर्स प्रॉपर्टीज़ व्यू होंगे तो जैसा वर्क स्पेस वैसी उसके रिक्वायरमेंट और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वर्क स्पेस जो है वो चेंज होता जाएगा अब मैं इसेंशियल क्लासिक पे सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कस्टमाइजेशन पैनल है और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे टूल्स जो है हम यूज़ करेंगे आर्ट वर्क क्रिएट करने के लिए वो दिए हुए हैं तो इसमें से फर्स्ट टूल जो है ये सिलेक्शन का, का काम करता है सिलेक्शन टूल नाम है इसका फिर सेकेंड है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये पर्टिकुलर नोट्स को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है फिर मैजिक वैंड टूल है जो कि मल्टीपल सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को या फिर सिमिलर कलर वैल्यू ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए काम आएगा लैसो टूल है जो एक ही साथ मल्टीपल नोट्स सिलेक्ट करने के लिए काम आएगा फिर पेन टूल है जो आपको कोई भी ड्राइंग फ्री हैंड ड्राॅइंग्स डिज़ाइन करने में काम आएगा फिर यहीं पे करवेचर टूल है जो हमको स्मूथ लाइंस कर पेन uh, टूल से जो ड्रा कर नहीं पाते हैं वैसे स्मूथ लाइंस ड्रॉ करने के लिए काम आएगा नेक्स्ट है टेक्स्ट टूल जो हमें टेक्स्ट टाइपिंग के लिए काम आता है लाइन टूल है फिर यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल टूल है रेक्टेंगल टूल को ही क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर और भी सारे शेप टूल्स हैं तो ऐसे ही हर टूल के साथ आपको एक एरो दिखाई देगा जिसमें आपको उसी के ऑप्शनल टूल्स में मतलब उसी के साथ जो मल्टीपल टूल्स का सेट आया हुआ है उसी जॉनर में या फिर उसी कैटेगरी में जो मल्टीपल टूल्स का सेट आया हुआ है वो हमको दिखेगा अगर हम उस टूल पे क्लिक करके रखते हैं तो जैसे ये पेंट ब्रश है उसके साथ में ही एक और ब्रश है जिसका नाम है ब्लॉप ब्रश तो ऐसे अलग अलग टूल्स हमको दिखाई देंगे यहाँ पे शेपर टूल है फिर इरेजर टूल है फिर रोटेशन टूल है स्केल टूल है वर्थ टूल है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है शेप बिल्डर टूल है पर्सपेक्टिव टूल है या फिर मेश टूल है ग्रेडियंट टूल है फिर आईड्रॉप पिकर टूल है फिर ब्लेंड टूल है फिर आप जैसे देख सकते हैं सिंबल्स प्रेयर है और यहाँ पे मैप के लिए आप जो कॉलम्स यूज कर सकते हैं या फिर आ, बहुत बार हमको ये चार्ट बनाने पड़ते हैं तो ये इसके लिए ग्राफ बनाने पड़ेंगे आपको इन्फोग्राफिक्स में ये बहुत काम के टू तू, टूल है तो इस तरीके के ग्राफ्स आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं फिर आर्ट बोर्ड टूल है अब ये आर्ट बोर्ड टूल जो है ये हम अभी इनि, इनिशियली देखेंगे यहाँ पे जैसे नाइफ़ टूल है या फिर स्लाइस टूल बोलते हैं इसको स्लाइस टूल है फिर यहाँ पे फोरग्राउंड मतलब कलर फील किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर फील और आउटलाइन कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये और कुछ ऑप्शन है जो हम सॉफ्टवेयर कवर करते वक्त देखेंगे अब जो हमने सिलेक्ट किया हुआ टूल है वो आर्ट बोर्ड टूल है उसको यूज़ करने के लिए हम देखिए पहले आर्ट बोर्ड टूल सेलेक्ट करेंगे क्लिक करेंगे उस पर तो आपका पूरा वर्क आर्ट बोर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा अगर मैंने फ़ाइल सिलेक्ट करने के बाद मुझको ऐसा लगता है कि मुझको आर्ट बोर्ड का साइज़ चेंज करना है ए फोर नहीं चाहिए ए थ्री चाहिए तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं अगर आपको प्रिंट फॉर्मेट में से ही कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए तो भी ठीक है आपको यहाँ पर डिजिटल भी सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे आप सारे जो भी हमारे पास ऑप्शंस थे वो सारे ऑप्शंस में से किसी भी एक पेज साइज़ पर आ सकते हैं तो सपोज़ यहाँ पर मैंने अभी ए थ्री कर दिया हूँ तो अल्टीमेटली फाइल का साइज़ जो है वो बढ़ गया या फिर पेज का साइज़ जो है कैनवस साइज़ जो है वो बढ़ चुका है अब अगर मुझको उसको वर्टिकल नहीं रखना है हॉरिजॉन्टल करना है तो यहाँ से मैं उसको हॉरिजॉन्टल कर सकती हूँ आप कमांड प्लस से जूम इन और कमांड माइनस से जूम आउट कर सकते हैं जिससे कि मुझको पूरा व्यू मिलेगा सो so, ये वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल वे में हो सकता है अगर मुझको आर्ट बोर्ड का नेम चेंज करना है तो मैं यहाँ से आर्ट बोर्ड का नेम चेंज कर सकती हूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ पोस्टर सो so, पोस्टर ये नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर और यहाँ पे हमने आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो ये इस तरीके से हम आर्ट बोर्ड में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं ये टूल बॉक्स और आर्ट बोर्ड का यूज़ था अभी मेरा मैं यहाँ पे जब सिलेक्शन टूल वापस सिलेक्ट करूँगी तो मेरा आर्टबोर्ड का पोजिशनिंग फिक्स हो जाएगा स्क्रोल इन स्क्रोल आउट से आप इसको मूव कर सकते हो हमने जो आर्टबोर्ड को रीनेम किया है वो आर्टबोर्ड हमको विंडोज़ में जाने के बाद आर्टबोर्ड ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे तो आर्टबोर्ड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखे पोस्टर नेम से ये आर्टबोर्ड जनरेट हुआ है साथ ही में हमने देखा कि यूज ऑफ ब्लीड इन एडोप इलेट्रेटर क्या है तो एडोप इलेट्रेटर में जो ब्लीड है उसका मतलब क्या है ये कब यूज होता है ये हमने आज देखा इस सेशन में उसके बाद हमने ये भी देखा कि आर्टबोर्ड ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है आर्टबोर्ड ऑप्शंस का यूज़ क्या है कैसे उनको ऑपरेट किया जाता है एक बार अगर हमने आर्टबोर्ड सिलेक्ट किया तो उसका नाम अगर हमको चेंज करना हो तो आर्टबोर्ड का नाम कैसे चेंज होता है या फिर आर्टबोर्ड का साइज़ कैसे चेंज होता है या फिर आर्टबोर्ड का ओरिएंटेशन कैसे चेंज होता है तो ये कुछ ऑप्शंस है जो आज हमने देखे थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो